डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 10 इंडिपेंडेंटली करेंगे, क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि लोग इसको डायरेक्ट भी देखना चाहते हैं। तो ध्यान से देखिए कि इसका सल्यूशन क्या होगा। तो सल्यूशन लिखने से पहले सबसे पहले आपको ए प्लस बी होल टू द पावर एन, इसका जनरल टर्म पता हो। ये जनरल टर्म है एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर बी टू द पावर आर, ये इसका जनरल टर्म है। तो हमारे एक्सपेंशन एक्स प्लस वन टू द पावर एन का जनरल टर्म क्या होगा? इसका जनरल टर्म होगा एन सी आर एक्स टू द पावर आर वन टू एन माइनस आर और वन टू द पावर आर। अब इसमें सवाल उठता है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं कि कोफिशेंट क्या है। तो कोफिशेंट ध्यान से देखें, ये कोफिशेंट किसका है? ये कोफिशेंट है आर प्लस वनथ टर्म का। कोफिशेंट ऑफ आर प्लस वनथ टर्म इज व्हाट? एन सी आर। कोफिशेंट की बात है तो कोफिशेंट में ये नहीं आएगा वेरिएबल, कोफिशेंट ये होगा केवल एन सी आर। तो हमें क्या दिया हुआ है दोस्तों? हमें दिया है, तो इसमें अगर आपको कोफिशेंट ऑफ आरथ टर्म का निकालना होगा तो आरथ टर्म के कोफिशेंट में होगा एन सी आर माइनस वन। कोफिशेंट आर माइनस वनथ का निकालना होगा तो होगा एन सी आर माइनस टू। और हमको क्या गिवन है? हमें गिवन है कोफिशेंट ऑफ आर माइनस टूथ इज टू कोफिशेंट ऑफ आर माइनस वनथ इज टू कोफिशेंट ऑफ आरथ टर्म्स, इनका रेशियो 1:3:5 है। तो कोफिशेंट ऑफ आर माइनस वनथ, कोफिशेंट ऑफ आरथ और कोफिशेंट ऑफ आर प्लस वनथ, सॉरी कोफिशेंट ऑफ, तो आर माइनस वनथ का कोफिशेंट है एन सी आर माइनस टू इज टू एन सी आर माइनस वन इज टू, इसका कोफिशेंट एन सी आर इज इक्वल टू 1:3:5, ये हमें दिया हुआ है। तो इन दोनों का रेशो 1:3 है, इन दोनों का रेशो 3:5 है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को लिखता हूँ। तो इन दोनों के लिए एन सी आर माइनस टू अपॉन एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू वन अपॉन क्या आ जाएगा दोस्तों? 1/3। तो इसका एक्सपेंशन देखिए, फॉर्मूला लगा दें फैक्टोरियल एन माइनस दिस, तो आर प्लस टू हो जाएगा इनटू आर माइनस टू फैक्टोरियल अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में दिस फैक्टोरियल एन माइनस दिस आर प्लस वन इनटू आर माइनस वन इज इक्वल टू कितना है आपके पास? 1/3। और इन दोनों का यहाँ लिख देता हूँ मैं एन सी आर माइनस वन अपॉन एन सी आर। एन सी आर माइनस वन अपॉन एन सी आर इज इक्वल टू 3/5। तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, n फैक्टोरियल कैंसिल, n माइनस आर प्लस वन को ऊपर भेज दे, n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल ऊपर चला गया, r माइनस वन भी ऊपर चला गया, अपॉन में आ गया n माइनस आर प्लस टू इंटू आर माइनस टू इज इक्वल टू 1/3। अब इनमें देखें, ये दोनों में बड़ा ये है छोटा ये है, तो इसको एक्सपांड कर दीजिए। कैसे एक्सपांड करेंगे आप? एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल एज इट इज, इसको ओपन करें, एन माइनस आर प्लस टू एन माइनस आर प्लस वन, इन दोनों में बड़ा ये है तो इसको खोल दीजिए, आर माइनस वन आर माइनस टू अपॉन आर माइनस टू फैक्टोरियल।
ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू राइट, ये जो 1/3 है मैं इधर लिख देता हूँ 1/3। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इंटू वन, तो ये आ जाएगा आपका n माइनस आर प्लस टू, और 3 इंटू दिस, 3 इंटू आर माइनस वन। अब देखिए n माइनस आर प्लस टू इज इक्वल टू 3r माइनस 3, एन की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, माइनस आर को उधर भेज दीजिए आप, 4r माइनस 3, और 2 उधर आ गया तो -5, ये वैल्यू आ गई, इसको नंबर दे देते हैं 1। इसको भी कैलकुलेट कर लें, इसको कैलकुलेट कर लें, यहाँ भी फार्मूला लगा दें, n फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल दिस माइनस दिस इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3/5। ये इससे कैंसिल हो गया, इसको ऊपर भेज दें, फैक्टोरियल एन माइनस आर, फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन इंटू आर माइनस वन इज इक्वल टू 3/5। इन दोनों में बड़ा ये है, इसको एक्सपांड करिए, n माइनस आर, इसको आप ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल, इसमें इसमें ये बड़ा है इसलिए ये खुलेगा, r r माइनस वन, फैक्टोरियल r माइनस वन कैंसिल 3/5, क्रॉस मल्टीप्लाई 5r इज इक्वल टू 3 इंटू एन माइनस आर प्लस वन, तो 5r इज इक्वल टू 3n माइनस 3r प्लस 3। तो 3n की वैल्यू क्या आएगी, देखिए 3n की वैल्यू आएगी आपके पास, फाइव आर इज इक्वल टू 3n, तो 5r प्लस 3r माइनस 3 इज इक्वल टू 3n, तो ये आ गया आपके पास 5r प्लस 3r 8r, 8r माइनस 3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स n का वैल्यू, n का वैल्यू है 4r माइनस 5। ये वैल्यू कहाँ से लिखा हमने, फ्रॉम 1। अब इसको आप ओपन कर दें, 12r माइनस 15 ये कितना है 8r माइनस 3, तो 8r को उधर भेज दीजिए, माइनस 15 को इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12r माइनस 8r, 12r माइनस 8r इज 4r, और ये हो जाएगा 12, r का वैल्यू आ जाएगा इससे 3। r का वैल्यू निकलने के बाद हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है, तो पुटिंग इन 1, इसको 1 में पुट कर दें, r की वैल्यू 1 में पुट कर दें तो n की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 3 माइनस 5, तो ये हो जाएगा आपका 4 3 12 माइनस 5, तो 12 माइनस 5 इज 7। तो दोस्तों ये था n और r का वैल्यू, इस क्वेश्चन में आपको n और r पूछा था, n इज 7 r इज 3। होप क्वेश्चन आपका सोल्यूशन समझ पाए होंगे, और अगर आप 8.2 के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, जो 1-9 हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, 8.1 भी देख सकते हैं, बेसिक कंसेप्ट बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं, आप आगे के वीडियोस भी देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। इन केस इफ़ यू फाइंड प्रॉब्लम इन एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन, डू राइट टू मी इन कॉमेंट बॉक्स, और यू कैन राइट टू मी एंड सेंड at my WhatsApp account, which is this, और मेरी बेस्ट विशेस हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ऑल द बेस्ट।